दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों, आपकी राशि से द्वितीय भाव में मकर राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और 23 मई 2021 को ये वक्री हो जाएंगे। वक्रगत इनका गोचर 11 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। लगभग 141 दिन का समय रहेगा जब शनिदेव वक्री रहेंगे। वक्र काल का इनका ये गोचर जो होगा वो किस प्रकार का फल प्रदान करेगा धनु राशि वालों को। धनु राशि वालों, आप पर 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, तो इसलिए शनिदेव का वक्री होना आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। किस प्रकार का फल प्रदान करेगा ये जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार के शनिदेव आपको फल प्रदान करेंगे। द्वितीय भाव में ये वक्री हो रहे हैं, 141 दिन तक वक्री रहेंगे और इस राशि फल को या गोचर फल को आपको चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार या लग्न के आधार पर देखना होगा, तब आप सटीक पाएंगे। द्वितीय भाव में जो फल प्रदान करते हैं, अब देखिए वक्र का अर्थ भी आपको थोड़ा समझा देते हैं। प्रत्येक वीडियो में बता रहे हैं कि वक्र का अर्थ है जो आपने खोया, जो आपने पाया वो ग्रह आपको लौटाते या आपसे छीनते हैं, अपने आप को बैक गियर डालते हैं, अपने आप को पीछे ले जाते हैं ग्रह, या उनकी छाया, उनकी जो एनर्जी है वो पीछे जा करके आपसे वो सब कुछ छीन लेती है जो उन्होंने दिया, क्योंकि उन्हें लग जाता है कि आप उसके काबिल नहीं थे, या जो आपसे पीछे छीना ग्रह ने वो आपको, उस ग्रह को पता लग जाता है कि इसके जो हमने समझ करके दंड दिया था इसको, उस दंड को कहीं ना कहीं इसने पश्चाताप में बदला और ये अपनी गलती पर पछता रहा है, तो अब इसे हमें वो चीज़ लौटा देनी चाहिए जिससे इससे हमने जो छीनी थी। और शनिदेव जो कि न्याय के कारक हैं, शनिदेव जो छीनना और देना जानते हैं, न्याय करते हैं, आपके कर्म के आधार पर फल देते हैं, इसलिए शनिदेव जब क्रूर ग्रह, पापी ग्रह वक्री होते हैं तो विशेष फल प्रदान करते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन 100% अच्छा नहीं होता है, 70% अच्छा होगा तो 30% बुरा भी होगा और 30% अच्छा होगा तो 70% बुरा भी होगा। इसलिए विशेष रूप से यह गोचर फल देखते हैं किस प्रकार का फल आपको मिलेगा, क्या लौटाएंगे और क्या छीन लेंगे। 7.5 का चरण चल रहा है तीसरा। 7.5 में विशेष रूप से अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। मेरा मतलब 7.5 कोई डरावना विषय नहीं है, 7.5 से डरना नहीं चाहिए, 7.5 में अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो न शनिदेव आपको परेशान करेंगे ना कोई 7.5। 7.5 का अर्थ मैंने कई बार समझाया है। 7.5 का मतलब सिर्फ इतना है कि शनिदेव की पूरी नज़र, पैनी नज़र आप पर है और यहाँ पर तुरंत आपके साथ में आपको तुरंत फैसला सुनाया जाएगा। कोई भी आपने गुनाह किया तो तुरंत आपको दंड मिलेगा, पल भर का भी समय नहीं मिलेगा, कोई तारीख नहीं, सीधा फैसला। इसलिए विशेष रूप से आपको कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शनि की स्थिति जो है, पहली स्थिति जहाँ पर बैठे हैं द्वितीय भाव में आपके, और तीन दृष्टियां, तीसरी और सप्तम और दशम, इन तीन दृष्टियों का फल क्या होगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ही जहां पर ये द्वितीय भाव में बैठे हैं ये आपके धन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, आप सेविंग बहुत ज़्यादा कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा सेव कर पाएंगे, बहुत अधिक मात्रा में आपने जो पैसा अपना खोया था उसे रिकवर कर पाएंगे, खोया हुआ पैसा मिल जाएगा, और जो आपकी वाणी की वजह से आपका अपमान हुआ था या आपके शब्दों की वजह से कोई झगड़े हुए थे, कहीं किसी प्रकार से फैमिली में कोई रिश्ता बिगड़ गया था तो वो रिश्ता जुड़ सकता है, ये स्थिति बनेगी। विशेष रूप से आपको पैतृक संपत्ति का निवेश करके बहुत अधिक मात्रा में लाभ हो सकता है, ये स्थिति बनेगी। लेकिन शनि की अगर तीसरी दृष्टि के बारे में बात करते हैं, शनि की तीसरी दृष्टि जो कि आपको बहुत अधिक मात्रा में मेहनत करवाएगी, आपकी मेहनत का फल आपको उतना नहीं मिल पाएगा और बहुत अधिक मात्रा में आप अगर जमीन से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं या राजनीति इत्यादि करते हैं, राजनेता हैं, तो आपको विशेष बहुत ध्यान देना चाहिए। अपने करियर को अगर बचाना चाहते हैं तो बहुत विशेष अपने कैरेक्टर पर ध्यान दें, अपने हर आजू बाजू रहने वाले लोगों पर ध्यान दें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा बदनामी और बेचैनी और परेशानी हो सकती है। इसलिए विशेष रूप से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किसी प्रकार से अपने आजू बाजू रहने वाले लोगों को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। विशेष रूप से आपको जमीन के व्यापार में नुकसान हो सकता है, इसलिए विशेष रूप से बहुत सावधानी से कोई भी कार्य करें, और जमीन या मकान, वाहन इनका व्यापार करते हैं
तो आपको यहाँ पर आपका इन्वेस्ट कहीं भी कोई भी निवेश नहीं करना चाहिए। अगर शनि की हम सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं, शनि की सप्तम दृष्टि जो कि अष्टम भाव पर रहेगी, इस वजह से आपको बहुत अधिक मात्रा में चिंताएं आपकी नष्ट होंगी, जो बेचैनी थी वो परेशानी खत्म होगी। और हाँ, शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल मत लगाना, सट्टा लाटरी इत्यादि में पैसा बिल्कुल मत लगाना, कोई बुरा कर्म मत करना, नहीं तो फंस सकते हैं और आप सब कुछ लुटा सकते हैं, सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर आपके अफेयर इत्यादि, आपके पार्टनर के अफेयर इत्यादि नष्ट हो सकते हैं, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम समाप्त हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म हो सकते हैं आपके वाइफ के, आपके हस्बैंड के। और अगर हम शनि की दशम दृष्टि के बारे में बात करते हैं, शनि की दशम दृष्टि जो कि एकादश भाव पर रहेगी, ये बहुत अधिक मात्रा में ये दर्शाती है कि आपके प्रमोशन जो रुके हुए थे उन्हें ये पूरा करवाएगी। ये बहुत ज़्यादा आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेगी और आपको अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था तो उसे पूरा करवा देगी। ये स्थिति बनेगी दोस्तों, विशेष रूप से आपको विदेश यात्रा नहीं करनी है, विदेश की कोई डीलिंग नहीं करनी, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रोजेक्ट नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों यह था शनि के वक्रगत प्रभाव का फल जो कि धनु राशि के बारे में था, और तीन राशियां बची हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आपको यह गोचर फल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।